पहले भाई लोग कैसे आप सभी लोग, फिलहाल अपन खड़े हैं भाई ग्रैंड विटार के सामने। तो मतलब कुछ इस एस टाइप के अपने को की मिल जाती है भाई, ठीक है। और जो शोर हो रहा है उसके लिए सॉरी भाई, कस्टमर आ रहे हैं अभी अपने। तो मतलब सुजुकी का लोगो जो मतलब रैंडम सारों में दे रही है जो अपनी अरेना में और नेक्सा में। तो अभी फिलहाल भाई गाड़ी के आगे से बात कर ली जाए ना, तो मतलब आप जो इसकी कॉम्पिटिटर देखोगे सेल्टोस क्रेटा भाई, उनसे ये बहुत बढ़िया दिखती है, ठीक है। अपने जो विड्थ होगी, अपनी लेंथ होगी, हाइट, सारी चीज़ों में बढ़िया है भाई। अपने सामने जो आज खड़ा है ना भाई, अल्फा है ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बाद आगे से बात कर ली जाए तो भाई अपने को ग्रिल मिल जाएगी जो इसकी क्रोम में है, ठीक है। और फिर अपने को यहाँ पे मिल जाएंगे पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी ग्रिल, और इधर मिल जाएगी भाई अपने को प्लेसमेंट कैमरे की, फ्रंट कैमरे की जो सुजुकी की बिल्कुल नीचे मिलेगी, यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह मिलेगी। स्किड प्लेट मिलेगी अपने को सिल्वर कलर की, और एक सिंगल प्रोजेक्टर दे रही है भाई कंपनी, जो कि अपने को हाई बीम लो बीम दोनों इसी के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे अपने डीआरएल जो बेस मॉडल से भाई जलते हैं, इसमें टोइंग हुक मिल जाएगा इधर की साइड। और साइड की बात की जाए तो भाई अपने को मिलेंगे इसमें बेस मॉडल 17 इंच के टायर, इसमें फिलहाल अपने को मिल रहा है भाई अलॉय, जो कि टॉप मॉडल है भाई अल्फा। तो इसकी प्रोफाइल अपने को मिलेगी ये देखो R16, ठीक है। तो ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो देख सकते हैं भाई आप, इधर आपको डिस्प्ले हो जाएगी भाई अपनी जितनी इसकी लेंथ आती है। और ये गाड़ी भाई सारी चीज़ों के साथ मतलब अपने को मिलती है क्योंकि टॉप मॉडल है भाई। 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा भाई अपने को, और दोनों की साइड भाई रिक्वेस्ट सेंसर जो बेस मॉडल से दे रही है भाई कंपनी। मतलब कि यार पहली ये गाड़ी ऐसी मैंने देखी है यार मारुति की, कि अपने को मतलब बेस मॉडल से, यार बेस मॉडल कुछ भी नहीं होता यार, ये बेस मॉडल अपने को पड़ता है भाई दिल्ली के अंदर 11,90,000 रुपये का। डिस्काउंट करोगे तो अपने 80 तक पहुंच जाएगा भाई, ठीक है। और अभी पीछे से लुक की बात कर ली जाए तो भाई कुछ ऐसी सी लुक है भाई इसकी, ठीक है। एक बार लाइट जला देते हैं इसकी, उसके बाद भाई चाबी अपने पास होनी चाहिए, इसको रखते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। इसमें अपने को कोई भाई फोन नहीं मिलेगा, ठीक है। अपने को वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा, ठीक है, इधर की साइड। और USB वगैरह सारी चीज़ें एक नहीं। तो अब फिलहाल बात कर रहे थे भाई MID की, तो इसे भाई करते हैं ऑन। और कुछ ऐसे भाई शोरूम में गाड़ी खड़ी है तो फ्यूल लेवल इतना ही रहेगा इसका। इसमें अपने को सारे के सारे भाई देखने के लिए मिल जाते हैं कंट्रोल्स, जो कि अपन यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे व्यू का मिलेगा अपने। स्टार स्टॉप बटन भाई बेस मॉडल से दे दिया, मतलब भाई दिल जीत लिया आपकी बार मारुति ने अपना। पेडल शिफ्टर्स भी मिल रहे हैं भाई अपने को इस गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक वेरियंट है ये। और ये बात की जाए भाई इसकी, लाइट कंट्रोल ऑटोमेटिक लाइट मिल जाती है भाई अपने को। पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा भाई अपने को, क्या इसका AC वेंट के ऊपर ये, ठीक है। अब भाई देखो बीच में डिजिटल भाई, ये सारी गाड़ियों में ये मिल रहा है भाई अपने जो भी मारुति के आप लेते हो। और भाई सीट कवर्स देखो भाई, लेदर के सीट कवर्स हैं भाई ये, ठीक है। और ये वेंटिलेटेड सीट्स के साथ भी आती है भाई ये गाड़ी, पर ये वाला मॉडल भाई, ये वाला अपने पास वेंटिलेटेड नहीं मिलेगा, ठीक है। बीच में आ जाए भाई, देखो यहाँ पे भी अपने को सारी इंडिकेशन मिलेगा, इधर की साइड अपने को मिल जाएगा भाई वॉच वगैरह जो भी आप देखना चाहते हो भाई इस गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद आते हैं भाई यहाँ पे, इसको कैंसिल करते हैं। तो ये कुछ अपने को मिल जाता है भाई इसके अंदर जो कंपनी दे रही है भाई, ये पूरा का पूरा 9 इंच का भाई डिस्प्ले अपने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भाई एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सारी चीज दे रही है भाई। ये महिंद्रा की तरह नहीं कर रही है कि भाई अपन को एप्पल कारप्ले ही हटा दिया भाई, और मतलब वायर चल रही है भाई इसमें, वायरलेसली वायर दोनों चला सकते हो भाई अपन, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे भाई USB की, USB मिल जाएगा, और इधर की साइड भाई अपने को 12 वोल्ट का सॉकेट, कंट्रोल मिल जाएगा। इधर भाई USB ही लगेगी खाली, ऑटो स्टार्ट को स्मार्ट हाइब्रिड है जो इसका ट्रैक्शन ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल का मिल जाएगा। AC भाई अपने को बेस मॉडल से ऑटोमेटिक मिल रहा है, ठीक है। पियानो ब्लैक फिनिश जो कि बहुत अच्छी लग रही है यहाँ से साल्टन, और फिर वही अपना थोड़ा सा ये ब्राउनिश अपनी जो सबको मिल रही है, ठीक है। इधर की साइड बात की जाए भाई, इसके अंदर अपने को रियर वाइपर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उसके कंट्रोल्स जो कि ऑटोमेटिक अपने को देखने के लिए नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। वाइपर जिसमें ऑटोमेटिक नहीं दिए गए हैं। और कुछ ऐसी सी भाई इसकी लुक आती है देखो बिल्कुल, और बोनट पूरा दिख रहा है अपने को, व्हाइट कलर का वेरिएंट है। तो ऑटोमेटिक अपने को मिल जाएगा भाई इसके अंदर ये अपना IRVM। इधर की साइड बात की जाए तो भाई सनशेड मिल जाएगा जो कि अपने को लाइट वाला है दोनों साइड, इधर की साइड भी सेम अपने को ये सेटअप मिलता है। इसको करते हैं ऊपर भाई, आगे की साइड मतलब पूरा का पूरा भाई लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये अपना थोड़ा सा भाई हार्ड उसमें दिख रहा है, ठीक है। इसका अब एक चीज देखते हैं भाई, अपन इस पे दबाते हैं व्यू पे, तो ये देखो भाई मतलब कि 360 डिग्री कैमरा, मतलब लैग ही नहीं है, सारी चीज बढ़िया है। और अभी इसको रखते हैं भाई यहां से,
अब सारी चीज मतलब सॉरी क्योंकि सॉरी कमांड भाई इसके अंदर अपने को दी जाती है। ये भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसका जो कि सही है भाई, मारुति का लैग नहीं मारता। और फिर इधर की साइड बात की जाए ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, इसमें आप ठीक ठाक मतलब सही से अपनी स्टोरेज स्टोर कर सकते हो भाई। उधर की साइड अपने को मतलब वही सेम सेटअप मिल जाता है। बीच के साइड मिल जाएगा आर्म रेस्ट जो कि भाई छोटी मोटी भाई चिलर वगैरह रख सकते हो आप इतनी जगह। मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा भाई अपने को। अब चलते भाई इसके साइड पीछे के साइड, तो कुछ ऐसा सा इंटीरियर मिल जाएगा भाई अपने को इसके अंदर, ठीक है। और सबसे मेन बात भाई जो हाईलाइट कर रही है भाई इस गाड़ी की, वो है भाई यार पैनारोमिक सनरूफ भाई। मतलब सब कुछ दे दिया भाई मारुति ने इसमें आपके लिए, किसी की चीज की भाई अपने को भाई कसर छोड़ी नहीं है भाई इसके लिए। मारुति का अपना जो स्टैंडर्ड भाई भाई कोई सी गाड़ी ले लो भाई उसमें यही मिल रहा है। हाँ बस एक चेंजेस होंगे भाई, जो आप करोल बाग में भाई चेंज करवाओगे उसमें भाई ये ब्रेजा का वो लगा रहे हैं, पर अभी भी भाई काफी जगह पे भाई अपने लिए अवेलेबल हो जाएगा भाई ये, ठीक है। सुजुकी का लोगो और फिर क्रोम के साथ भाई गोल्ड मस्त लगता है। अपने वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएंगे इधर, इधर की साइड क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, भाई अपने मीडिया के लिए कंट्रोल मिल जाएंगे। अभी भाई एक बार इसको इग्निशन ऑन करते हैं इसका, ठीक है। फिर अभी बात की जाए भाई सीधा अगर अपन आए तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगी भाई इसकी MID। अभी आ चुके अपन बाहर और फिर चलते हैं भाई पीछे की साइड, ठीक है। तो सिंपल सा करो, अब बैठते हैं भाई इधर की साइड भाई। कंफर्ट मैं बताऊं नेक्स्ट लेवल है, सीट बहुत ज्यादा आ गया है, इसको भाई अपन पीछे करेंगे, ठीक है। सीट्स का सेटअप देख लेना भाई एक बार। एक मिनट यार, इन्होंने ये लॉक कर रखा है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने भाई जुगाड़ लगा रखा है अपना। दो कप होल्डर मिल जाएंगे, आर्म रेस्ट ठीक है भाई बहुत बढ़िया है। और बीच में बैठने के लिए भाई इतनी स्पेस नहीं है, हम्प जो अपने को यहाँ पे मिल रहा है भाई, ठीक है। हम मिल जाता है, दो AC वेंट्स दिए गए भाई, जो भी मतलब चीप क्वालिटी है भाई, ठीक है, जो बोलेंगे सच बोलेंगे अपन। और इधर की साइड दो चार्जिंग सॉकेट, एक फास्ट चार्जर और एक नॉर्मल चार्जर मिल रहा है, दोनों के दोनों टाइप सी। इधर की साइड बात की जाए नो भाई कोई भी सनसेट अपने को देखने के लिए नहीं मिलती है। अब भाई एक चीज दिखाऊंगा आपको, देखो मारुति मतलब आगे से तो भाई बहुत ठीक लग रही है। अब आप मेरे को एक बात बताना कि भाई ये क्या चीज है यार, ये फिट एंड फिनिश देखो भाई मारुति की तुम, अगर या फिर ये इसी गाड़ी में या और गाड़ी में भी, ये सारी चीजें बताना भाई मेरे को आप, ठीक है। उसके बाद देखे जाए तो सनरूफ भी भाई ठीक ठाक, इतनी बड़ी नहीं बता सकते लेकिन हाँ ठीक ठाक मिल रही है अपने को भाई। पूरी पीछे जा रही है भाई, बहुत बड़ी है वैसे लग रहा है, क्योंकि कई गाड़ियों में ये नहीं जाता पीछे, अपने को साइड में सारी चीजें दिख रहे हैं। और कंफर्ट की बात करूं भाई ठीक ठाक कंफर्ट है अपने को, इतना भी नहीं बोल सकता भाई, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चाइल्ड सेफ चाइल्ड सीट के लिए अपने को यहाँ पे एक्स्ट्रा वो दिया गया भाई, तीनों के तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल अपने, ठीक है। और ग्रैब हैंडल इधर की साइड लाइट मिल जाती है, लाइट मिलेगी जो हैलोजन भाई, पूरा हैलोजन सेटअप रखा गया है, लेकिन बाहर की साइड आपको मिलेगा LED, ठीक है। अब चलते हैं बाहर की साइड और इसके बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। तो अब ओवरऑल बात करी जाए ना भाई गाड़ी की, जो कि मतलब रूफ की अपने को मिल जाएगी, ओवरऑल बात की जाए भाई गाड़ी की, मतलब भाई ठीक ठाक फीचर्स अपने को ऑफर कर रही है भाई गाड़ी, ठीक ठाक फीचर्स अपने को ऑफर करी है, जो कि भाई अपने को ये पड़ेगी, ये 15,49,000 कुछ इतनी इसकी एक्चुअल वैल्यू है भाई, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा आप कहाँ से कहाँ जाओगे, ठीक है। अभी बात कर ले इंजन की भाई, 1400 लीटर का इंजन मिलेगा, 4 सिलेंडर, जो कि मतलब आपको टॉर्क वगैरह सब कुछ बढ़िया निकाल के देगा, 169 या 59 के आसपास इसके अंदर BHP मिल जाएगी भाई अपने को, ठीक है। फीचर्स के साथ पूरी लोडेड है भाई। सेफ्टी के लिए अपने बताया ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल भाई, सारी चीज अपने को मिल जाएंगी भाई इसके अंदर, जो कि मतलब ठीक है यार गाड़ी है, ठीक है। और उसके बाद बात की जाए भाई इसकी पॉजिटिव्स तो भाई बहुत है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव्स भाई इसके अंदर मिल जाएंगे अपने को। जैसे कि भाई यार इस मॉडल के हिसाब से यार कौन देता है यार 360 डिग्री कैमरा, यार कौन देता है। क्रेटा में अपने को टॉप मॉडल में देखने के मिल जाएगी, लेकिन भाई सेकंड टॉप से शुरू हो जाता है अपना इसके अंदर। और मतलब फुल फीचर्स भाई, सनरूफ जो इसकी पैनारोमिक सनरूफ है भाई, क्रेटा की कितनी खुलेगी, अपना जो क्रेटा का ग्लास है भाई वो इतना ही खुलेगा, ठीक है। ये इस ग्लास को लेके भी पीछे जा जाता है, जो कि मतलब बहुत बढ़िया अपने को सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी और गाड़ियां हैं इनका शूट करते हैं, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीजें कर देना। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा जो कि आपको मिलेगी शॉर्ट के